डाउट्स ऑफ 11th अप्रैल पेपर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट डाउट है, उसमें क्या है पूछा है, फ्रिंज विड्थ चेंज होता है क्या अगर स्लिट का विड्थ चेंज किया तो? तो इंटरफेरेंस में बीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी। वहां पे तो स्लिट का विड्थ फॉर्मूला में है ही नहीं, तो स्लिट के विड्थ पे बैंड का विड्थ डिपेंडेंट है ही नहीं, तो कौन सा आता है, इंडिपेंडेंट या फिर सेम रहता है, तो बैंड विड्थ क्या रहता है, सेम, तो ऑप्शन सी आता है। नीचे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, अगर डायफ्रैक्शन का पूछा रहता तो डायफ्रैक्शन के बीटा में डायफ्रैक्शन पे बैंड विड्थ में ए स्लिट का विड्थ है, तो स्लिट का विड्थ जब कम होगा, यहाँ पे जब स्लिट का विड्थ कम होगा तब बैंड विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो शिफ्टिंग इन फ्रिंज पैटर्न का फॉर्मूला क्या रहता है, डी बाई डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। तो अभी किधर शिफ्ट हुआ है, पैटर्न शिफ्ट होता है 30th ब्राइट पे जाता है सी बी, तो कितने से शिफ्ट होता है, 30 लैम्डा डी बाई डी से शिफ्टिंग होता है, तो टोटल शिफ्टिंग कितना होता है, 30 लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 30 लैम्डा डी बाई डी, सब पुट किया है जो भी वैल्यूज दिया है, और 30 लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू क्या है, शिफ्ट इज इक्वल टू कितना है, उसका फॉर्मूला रहता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टू, उसका भी वैल्यूज पुट किया है, म्यू निकाला 1.5 आता है। देन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड, तो फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस कैसा, डार्क का डिस्टेंस कैसे निकालने का, डार्क का डिस्टेंस निकालने का एंड लैम्बडा डी अपॉन ए। तो अभी फर्स्ट डार्क का निकालना है, तो इसलिए मैंने 1 पुट किया, तो लैम्बडा डी बाय आता है, तो ऊपर वाला लैम्बडा डी बाय ए डिस्टेंस पे है, नीचे वाला डार्क भी कितना है, लैम्बडा डी बाय ए डिस्टेंस पे है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ऊपर वाला और फर्स्ट डार्क नीचे वाला कितना डिस्टेंस है, 2 लैम्डा डी बाई ए। वैल्यूज पुट करने के बाद आता है ऑप्शन सी आंसर। देन 21 में क्या पूछा है, 21 में अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर को खुद का हाइट खुद को ऑब्जर्व करना है मिरर में, प्लेन मिरर में, ऑब्जर्वर को खुद को ही ऑब्जर्व करना है प्लेन मिरर में, तो कितना मिनिमम लेंथ लगेगा मिरर का, तो मिरर का मिनिमम लेंथ कितना रहता है, हाफ ऑफ हाइट ऑफ मैन, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड मैन इसको मैटर नहीं करता, डिस्टेंस कितना भी रहने दो उनके बीच में, या फिर आई कहाँ पे भी रहने दो, उसका आदमी का जितना भी हाइट है उससे मिरर का हाइट चाहिए हाफ। देन क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, बर्ड है आउटसाइड वाटर और नीचे है स्विमर इनसाइड वाटर, बर्ड वाटर सरफेस से 18 मीटर पे है और स्विमर वाटर के अंदर है 12 मीटर, तो पूछा है क्या, स्विमर को बर्ड वाटर सरफेस से कितना डिस्टेंस दूर दिखेगा, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द स्विमर, ये फर्स्ट मैंने टोटल कैलकुलेट किया, ये पूछा नहीं है, फर्स्ट मैंने टोटल कैलकुलेट किया, अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है तो स्विमर को वाटर के अंदर का डिस्टेंस कितना दिखेगा है, जितना उतना ही दिखेगा, तो 12 मीटर का 12 मीटर दिखेगा वाटर के अंदर का डिस्टेंस, लेकिन वाटर के बाहर डिस्टेंस है 18, तो 18 नहीं दिखता, वो कितना दिखता है 24, तो 24 प्लस 12 कैसा आता है 36, तो स्विमर को बर्ड कितना दूर दिखेगा, टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा उसको, 36 लगेगा, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा नहीं, यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, तो सरफेस ऑफ द वाटर से डिस्टेंस कितना लगेगा, मतलब बाहर का डिस्टेंस जो एक्चुअली है 18, वो एक्चुअली डिस्टेंस है 18, लेकिन स्विमर को लगता कितना है वो 24 लगता है, तो आंसर क्या आता है 24, तो 24 कहाँ से आया, मैं ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है 24 किधर से आया, तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट का मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का मटेरियल इज इक्वल टू एक्चुअल हाइट अपॉन फारेनहाइट, तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट किधर है, एयर में है, और ऑब्जर्वर किधर है, वाटर में, तो म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, वैल्यूज पुट किया, एक्चुअल हाइट दिया 18, तो एच डैश अपेरेंट हाइट कैलकुलेट किया तो 24 आता है, तो बाहर एयर में डिस्टेंस है 18 एक्चुअली, लेकिन स्विमर को कितना दिखेगा 24 दिखेगा। देन क्वेश्चन नंबर 30 में क्या किया है, लेंस को कन्वर्ट किया है मिरर में, लेंस को कन्वर्ट किया है मिरर में, उस मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है,
तो उसके लिए फॉर्मूले क्या रहता है, ये 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो पहले मैं निकालता हूँ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2। वैल्यूज पुट किया, वैल्यूज पुट करने के बाद लेंस का फोकल लेंथ कितना आता है 20। अब मिरर का फोकल लेंथ कैसा निकालने का, मिरर का फोकल लेंथ इज उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी इनफाइनाइट है, जिसको मिरर किया है, जिसको पॉलिश किया है, वो सरफेस क्या है, प्लेन है, तो उसका तो रेडियस इनफाइनाइट है, तो मिरर का फोकल लेंथ कितना, इनफाइनाइट। तो एफ एल और एफ एम मिल गया, तो यहाँ पे पुट करने का, दोनों भी पॉजिटिव पुट करने का, वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर क्या आता है, नहीं तो कॉन्केव लेंस आ गया, यहाँ पे तो कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन अगर कॉन्केव लेंस भी रहता तो भी माइनस फोकल लेंथ पुट करने का नहीं, निगेटिव नहीं पुट करने का फोकल लेंथ, जो है वो पॉजिटिव वैल्यू पुट करने का, यहाँ पे तो कॉन्वेक्स ही है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फोकल लेंथ कितना आया, जो है वो यहाँ पे पुट किया, आंसर कितना है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर आता है 10, तो आंसर 10 है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आंसर्स विद साइन रहता है, कभी कभी आंसर्स क्या रहते हैं, विद साइन रहते हैं, तो विद साइन कैसे फाइंड आउट करने का, तो वो नीचे मैंने दिया है। मिरर क्या बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्केव मिरर बनता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव बनता है, और कॉन्केव लेंस है तो वो बनता है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, यहाँ पे लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो उल्टा मिरर बनता है, मतलब कौन सा मिरर बनता है, कॉन्केव मिरर। तो ये जो फोकल लेंथ आया है, ये कॉन्केव का फोकल लेंथ है, इसलिए अगर विथ साइन लिखना है तो आंसर क्या आएगा, -10, लेकिन -10 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 10। अगर 10 और -10 दोनों ऑप्शन में है तो कौन सा करेक्ट है, -10 वाला करेक्ट है। देन आफ्टर 35 सिंगल आई से क्या प्रॉब्लम होता है, 35 में अगर ह्यूमंस को दो आई नहीं, एक ही आई रहता तो क्या रहता, 3D नहीं दिखता, ऑब्जेक्ट 3D में नहीं दिखते, दूसरा लेस विजिबल रीजन, थोड़ा कम रीजन दिखता था, दो आईज के बिकॉज ऑफ क्या होता है, 3D दिखता है, जो भी 3D फिल्म्स रहता है, 3D मूवीज रहता है, उसका शूटिंग क्या होता है, दो कैमरा से होता है, तो इसलिए वो 3D दिखता है, तो दो आई का इफेक्ट क्या होता है, 3D दिखता है। देन नहीं तो 2D दिखेगा, सिंगल आई को 2D दिखेगा। देन 38 में क्या निकालना है, इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, किसका मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैग्नीफाइंग पावर किसका निकालना है, एक मिनट, ये मैग्नीफाइंग पावर निकालना है माइक्रोस्कोप का, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, वीओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। तो D तो पता है 25 है, एफ ई भी दिया हुआ है, तो निकालने का क्या है, वीओ अपॉन यू ओ, ये पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो अभी वीओ मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और यू ओ मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ये यहाँ पे दिया है, ऑब्जेक्ट कितने पे दिया है, 1.25 पे दिया है, वीओ निकालना है, तो वो नॉर्मल अपना लेंस का फॉर्मूला भी यूज़ किया, 1/f = 1/v - 1/u। वो पुट करने के बाद वीवो आया 30, तो निकाला फिर मैग्नीफिकेशन, वीवो पुट किया 30, यूवो कितना है 1.25 इंटू डी 25 और एफ ई 3, आंसर कितना आता है, -200। माइनस क्यों आता है, उल्टा दिखता है इसलिए माइनस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्शंस में माइनस नहीं रहता। देन क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, अबे एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज ऐसा कुछ तो बोला है उसने, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज का इसका मतलब याद रखो, इमेज किधर हुआ है, इन्फिनिटी पे हुआ है, इसका मतलब ऐसा याद रखो कि इमेज किधर है, इन्फिनिटी, तो एम इन्फिनिटी कितना दिया है, 20 दिया है, वहाँ पे एम इन्फिनिटी कितना दिया है, 20 दिया है। और इरेक्टिंग लेंस मतलब बीच वाला लेंस, टेरेस्ट्रियल में नॉर्मली टेलीस्कोप रहता है, नॉर्मल टेलीस्कोप में जैसा दो लेंसेस रहता है वैसा ही रहता है उसमें, और बीच में एक एक्स्ट्रा लेंस रहता है, उसको बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस, तीन लेंसेस रहता है इसमें। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, उल्टा दिखता है ना, नॉर्मल टेलीस्कोप में उल्टा दिखता है, उसको सीधा करने के लिए वो बीच में एक लेंस लगाते हैं, तो इसलिए इसमें तीन लेंसेस है।
तो नॉर्मल लेंस के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला रहता है FO+FE। अगर नॉर्मल लेंस का फॉर्मूला यूज किया तो आंसर आता है 84, लेकिन ये नॉर्मल तो है ही नहीं, ये नॉर्मल तो टेलीस्कोप है ही नहीं। ठीक है, इसमें FO दिया हुआ है 80, और FE किधर से आया, FE इस फॉर्मूला से, मैग्निफिकेशन फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो एम इन्फिनिटी इज इक्वल FO/FEO यूज किया तो उससे मुझे FE मिलता है 4। तो FE 4 पुट करने के बाद कितना आता है, 84। यहाँ पे माइनस लेना चाहिए, इधर फॉर्मूले में माइनस है, और यहाँ पे भी 20 नहीं लेना चाहिए, -20 लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन क्या रहता है, उल्टा रहता है, उल्टा ऑब्जेक्ट दिखता है, इमेज क्या दिखता है, उल्टा दिखता है, इसलिए माइनस आता है। तो माइनस माइनस वैसे भी जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिया नहीं है। तो इस फॉर्मूले से FE निकला। तो नॉर्मल अगर टेलीस्कोप रहता था तो लेंथ कितना आएगा, 84, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल में लेंथ ऐसा होता है, FO+FE आता है प्लस 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस। क्यों? क्योंकि उसका इमेज और ऑब्जेक्ट सी पे प्रोड्यूस होता है। वो तुम कंसेप्ट क्लियर करना है तो डायग्राम देखो, एरर में या फिर DC पांडे में। तो सब एडिशन करने के बाद कितना आता है, 164। तो याद क्या रखने का, नॉर्मल टेलीस्कोप के लिए लेंथ FO+FE, टेरेस्ट्रियल के लिए लेंथ कितना, FO+FE प्लस 4 टाइम्स ऑफ बीच वाला लेंस, इरेक्टिंग लेंस बोलते हैं उसको, सीधा करता है इसलिए इरेक्टिंग लेंस। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालो बोला है, तो टेलीस्कोप के लिए। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अभी तुमको पता नहीं तो ठीक है, तो एम इन्फिनिटी भी निकाला है मैंने, FO/FEO आता है 40, और MD का फॉर्मूला क्या है, अगर इमेज डी पे है तो -FO/FE × 1+FE/D, वो कैलकुलेट करने के बाद 40 आता है, जो उसमें से मैक्सिमम है वो लिखने का। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कौन सा है, 48। न्यूमेरिकली मैक्सिमम, माइनस का सोचो मत, न्यूमेरिकली मैक्सिमम कौन है, 48। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी।